कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस खबर में बात करें हम केके की। जी हाँ, बताते चले कृष्ण कुमार कुन्नत की, उनका निधन हो गया, जिसके बाद यहाँ कोलकाता में हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक के बाद एक ऐलान करना शुरू कर दिया। लेकिन बताते चले सबसे पहले कि उनका निधन की क्या वजह थी, जिस तरीके से अभी तक खबर सामने आई है, क्योंकि उनके खबर उनके निधन के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि सीएम ममता बनर्जी पर गाज गिर गई है। आखिरकार ये क्यों हुआ है, किस वजह से अब उन पर मुसीबतों के पहाड़ हैं, वो भी जरूर बताएंगे। लेकिन पहले केके के बारे में बताते चले कृष्ण कुमार कुन्नत के बारे में। महज 53 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो कॉन्सर्ट में थे, अपने लाइव कॉन्सर्ट में, दो दिन के कॉन्सर्ट में वो कोलकाता पहुंचे थे। पहला दिन जैसे तैसे करके निकल गया। जब दूसरे दिन की बारी आई और वो कॉन्सर्ट अपना कर रहे थे, सैकड़ों की तादाद में वहाँ भीड़ थी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन लोगों को इन्वाइटेड नहीं थे या जो लोग वहाँ के नहीं थे, वो भी घुस आए थे, दरवाजे तक तोड़ दिए थे। लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस फर्क पड़ा तो ये पड़ा कि भीड़ थी वो सैकड़ों की तादाद में हो गई और लगातार बढ़ने लगी। और गर्मी का माहौल तो सभी को पता है कि किस तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो केके है वो अपने लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे स्टेज पे खड़े होके। वहाँ पर एसी नहीं चल रहा था, कोई सुविधाएं नहीं थी वहाँ स्टेज पर। वो लगातार इस चीज़ का अंदेशा दे रहे थे मैनेजमेंट टीम को, लेकिन मैनेजमेंट टीम इस पर कुछ भी करते नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उनको पसीना आने लगा, और पसीना आते आते उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो गिर गए। और बताया जा रहा था कि उनका हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी बीच ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ममता बनर्जी ये कहती नजर आई कि वो उनकी पत्नी से बात करेगी, और यहाँ पर उनके लिए जो हवाई अड्डा है वहाँ पर उनको सलामी देती नजर आएगी। वो चीज़ भी हो चुकी, सलामी भी उनको दे दी गई। लेकिन यहाँ पर अब उनके इस्तीफे की मांग सामने आ रही है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस सब के बीच में इस्तीफे की बात कहाँ से आ गई। तो बताते चले आपको कि जब ममता बनर्जी इन चीज़ों पे कुछ रिएक्ट नहीं करती नजर आए थी शुरुआत में, तब यहाँ पर बीजेपी के बहुत सारे नेता लगातार तंज कसते नजर आ रहे थे ममता बनर्जी पे। तब ये कहते नजर आए कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार को सही से बताया नहीं है कि किस तरीके से काम करना है। अगर कोई एक्टर या फिर कोई भी सिंगर जो लेजेंडरी हो वो आपकी जगह पे आया है, तो आपको सारी सुख सुविधाएं कैसे देनी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर कहा गया कि ममता बनर्जी को नहीं मालूम कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, कैसे किसके साथ बिहेव किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री की सीट बहुत ज़्यादा थक गई है, और यहाँ पर ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात, अगर देखा जाए केके का निधन हो जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक जो सरकार है उनका अपना रोटियां सेकना और इस तरीके से इस्तीफे की मांग कर देना सीएम से, क्या ठीक है? तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।